आवाज क्लियर है मेरी? चलो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक क्या है? फेजोग्राफी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने किया था डिप्थोंग्स टॉपिक किया था, उसके कई सारे वर्ड्स प्रैक्टिस किए थे और हमने फिर सेंटेंसेस भी प्रैक्टिस किए थे। वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप दोबारा से देख लेना, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। ठीक है विशाल, गुड आफ्टरनून। ठीक है चलो, अभी जो है हम पहले मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी फेजोग्राफी से। सबसे पहले हम करेंगे इसमें आपके शॉर्ट फॉर्म्स, जो आपको हेल्प करेंगे फ्रेजेस बनाने में, राइट? अगर आप शॉर्ट फॉर्म्स नहीं करोगे, शॉर्ट फॉर्म्स मतलब ग्रामर लॉग्स, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। अगर आप वो नहीं करोगे, समझ नहीं आएगा आपको कि फ्रेजेस कैसे फॉर्म हो रहे हैं। तो अभी जो है मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी कि कैसे आपके जो है शॉर्ट फॉर्म्स बनेंगे, कैसे आपके रूल्स हैं जो हेल्प करेंगे फ्रेजेस बनाने में। ठीक है, अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप जो है टेक्स्ट करके पूछ लेना यहाँ पे, राइट? चलो स्टार्ट कर लेते हैं। हेडिंग डालो चैप्टर की, फेजोग्राफी। फ्रेजियोग्राफी, नोट कर लो एक बारी। चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है, फ्रेजेस होंगे। ठीक है, फ्रेजियोग्राफी मतलब फ्रेजेस। अब इसमें मैक्सिमम यूज किसका होगा? फ्रेजेस का होगा, जो आपको हेल्प करेंगे आउटलाइंस बनाने में जल्दी जल्दी। एडवांस में क्या होता है, फ्रेजेस का यूज किया जाता है। जब हम स्पीड क्लास में जाएंगे बेसिक खत्म करने के बाद, तो यही फ्रेजेस जो है यूज किए जाएंगे ताकि आप जल्दी लिख पाओ। क्योंकि अगर आप अलग अलग लिखोगे अल्फाबेट, अलग अलग वर्ड फॉर्म करोगे, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। इसीलिए ये फ्रेजोग्राफी को इंट्रोड्यूस किया जाता है टॉपिक के अंदर। ठीक है चलो, पहला लिखो ग्रामर लॉग। मैं यहाँ पहले लिख देती हूँ थैंक। अब बुक में जो है थैंक और थैंक्ड एक जैसा लिखा हुआ है, मैं इसमें आपको डिफरेंशिएट करना बता देती हूँ। पहला लिखो थैंक और थैंक्ड, फॉर्म करो। अब थैंक जो है ये रिप्रेजेंट होता है टीएच से, ठीक है। टीएच का स्ट्रोक कैसा होता है? सी वाला स्ट्रोक होता है। इसमें क्या करेंगे, टीएच का स्ट्रोक यूज करेंगे और हवा में बनाएंगे, लाइट रहेगा, ऐसे बनाओ थैंक। अब इसी से थैंक्ड बना है, दोनों के लिए सेम है, बट हम क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट अभी से कर देंगे ताकि सेंटेंस में आपको डायरेक्ट पता चल जाए कि थैंक्ड है कि थैंक करने की बात हो रही है। थैंक्ड जो होता है पास्ट में यूज होता है, ठीक है। जैसे वी थैंक्ड हिम, हमने उसका शुक्रिया किया पास्ट में, ठीक है। और इसमें वी थैंक यू, हम थैंक यू करते हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है। तो इसलिए कई बार क्या होता है, हमें वहां डाउट ना हो कि थैंक है कि थैंक्ड है, इसलिए अभी से इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। अब थैंक्ड में क्या है, सेम टीएच का बनाओ साइन और बीच में हल्का सा कट मार देना, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये थैंक्ड लिखा हुआ है, ठीक है, नोट कर लो। अगला लिखो थिंक। ट्राई करो खुद से थिंक। अब जो थिंक है वो सेम ऐसा ही है, टीएच की तरह है, बस ये लाइन पे बनेगा, फर्क सिर्फ इतना ही है, सेम टीएच का स्ट्रोक बस लाइन पे, ये हो गया थिंक। हम इसे क्या पता चला कि थैंक और थिंक जो है काफी सिमिलर है, तो हम इसे याद करने में क्या है, पेयर में यूज करेंगे। जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, थैंक यहाँ लिख दिया और थिंक, प्रैक्टिस जब करोगे कैसे करोगे, थैंक क्या है हवा में और थिंक क्या है लाइन पे है, तो एज अ पेयर याद कर लोगे कि हवा में हुआ तो थैंक है, लाइन पे बना तो थिंक है आपका। मैंने अभी आपको बता दिया साथ के साथ ताकि आप प्रैक्टिस शुरू कर सको अपनी क्लास के बाद, ठीक है। इसके बाद देखो अगला है तुम्हारा दो, TH OUGH, दो। फिर लिखो देम, मैं पेयर में बता रही हूं, ट्राई करो ये दो और देम। अब दो जो है आपका हैवी वाला टीएच वाला बनेगा जो हमने दी में यूज किया था, डार्क वाला, और ये हवा में रहेगा, हवा में रहेगा और डार्क, ठीक है। आप जो है पेंसिल डार्क चलाना, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ इसलिए मैं माका को दबा के दोबारा बना रही हूँ, डार्क बनेगा, ठीक है। और देम जो है आपका सेम टीएच वाला ही है, दी वाला,
ये लाइन पे रहेगा डार्क में, ठीक। दो हवा में देम लाइन पे, ये डिफरेंस है। तो ये पेयर हो गया, अगर हवा में बना दो नीचे बना देम, तो प्रैक्टिस ऐसे करना, ठीक। फिर उसके बाद बनाओ वॉज, वॉज के बाद बनाओ हूज, अब वॉज में क्या है आपका जेड का स्ट्रोक बन रहा है, ठीक है, और ये कैसे बनेगा आपका लाइन पे रहेगा, ये वॉज डार्क बनाना है, ठीक है। वॉज आपने एक ही बार बनाना है, मैं सिर्फ डार्क के लिए डबल बना के दिखा रही हूँ। फिर है हूज, हूज में भी जेड का बनेगा लाइन काट के डार्क में, ठीक है। नेक्स्ट लिखो शैल, शैल के बाद बनाओ विश, ट्राई करो ये वर्ड। अब शाल में क्या है एसएच का स्ट्रोक रहेगा, लाइन पे रहेगा, लाइट रहेगा। एसएच कैसे बनता है, लाइट बनता है, तो बस लाइट ही बनाना है, ठीक है। और विश क्या है, विश में भी एसएच बनेगा पर ये लाइन काट के बनेगा, विश लाइट रहेगा, ये नोट कर लो। नेक्स्ट बनाओ उसके बाद विश के बाद बनाओ विद और वेन, अब विद कैसे रिप्रेजेंट होता है, सी से रिप्रेजेंट होता है, हवा में ये सी बनाएंगे लाइन से ऊपर, और जब वेन बनाना होगा तो यही हम लाइन पे बना देंगे, ये हो गया वेन। तो जब बनाएंगे तो कैसा हुआ, विद और वेन, हवा में हुआ तो विद, लाइन पे बना तो वेन। नेक्स्ट आ रहा है आपका वॉट और वुड, ये लाइट रहेंगे डार्क नहीं बनाना, ठीक है, विद और वेन। फिर है वॉट और वुड, वॉट जो है इसका ऑपोजिट होता है, ये ऐसे था ये ऐसे आ जाएगा इस डायरेक्शन, वॉट वेन का ऑपोजिट नीचे, वुड उल्टा सी, ये पेयर हो गया विद और वेन पेयर हो गया, वॉट और वुड पेयर हो गया, याद करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट बनाओ ओ और ही, ओ के लिए तीन लिखे हुए हैं, ओ वाला ओ लिखा है, ओ एच वाला है और ओ डब्ल्यू ई वाला है, खाली जो मेन यूज होता है वो ये वाला होता है, मैंने यहाँ पे बना दिया इसलिए, ठीक है, बाकी का यूज नहीं होता। ओ जो है डार्क बनेगा, ठीक है, और ही लाइन पे डार्क बनेगा, ये डिफरेंस है इसमें। अभी तक जो मैंने कराया है इसमें कोई अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछ लो, ठीक है। अगर आप ये लोग वीडियो बाद में देखोगे तो टेलीग्राम पे टेक्स्ट करके पूछ लेना, ठीक है, मैं चैनल का लिख देती हूँ, टेलीग्राम वाला लिंक आईएसी सेनो के नेम से है, मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम पे भी है, फेसबुक इंस्टा पे भी है, यहाँ पे डाउट्स क्लियर कर लेना आपने, ठीक है, और ऐड कर लेना फेसबुक इंस्टा टेलीग्राम पे, तीनों पे, ठीक है। अभी जो है ग्रामर लॉग्स हमारे खत्म हो गए, अब मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करा रही हूँ, ठीक है। चैप्टर के जो बेसिक्स हैं, अब आपके बुक में जो है फ्रेजेस दिए हुए हैं, अगर आप देखोगे पेज 28 पे बुक पे, तो वो जो है उससे पहले हमें कुछ रूल समझने हैं, ठीक है।
आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है ना, एक बार बता दूं। विशाल आवाज क्लियर है? वॉइस क्लियर है ना विशाल? ठीक है, चलो आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम देख लेते हैं रूल्स क्या है इसमें। पहले तो मैं आपको फ्रेजेस बना के दिखा देती हूँ एक, उसके बाद मैं रूल बता देती हूँ। जैसे लिखा है आई थैंक और यू, आई थैंक यू ये दिया हुआ है। ठीक है, आई हमें आता है, थैंक हमने अभी सीखा था हवा में बनता है, और आगे यू है। ठीक, तो आई कैसा हुआ? आई ऐसा, थैंक का टी एच और ये यू, आई थैंक यू। ठीक, क्लियर यहां तक? समझ आ गया इतना? एक बार कमेंट करके बता दो। वैसे ही आपका है विद मच, ये सब फ्रेजेस है। अब विद मच में क्या है, विद का साइन था सी वाला और मच हवा में रहता है सी एच का स्ट्रोक, तो बनाएंगे तो कैसे, विद और मच। मच के लिए क्या है, सी एच का स्ट्रोक यूज हो रहा है हवा में, ये आपका फ्रेज हो गया। ठीक, अब इसके बाद आते हैं रूल्स आपके जो बुक में दिए हुए हैं। अब पहला रूल मैं आपको बता रही हूं, पहला रूल आपका कह रहा है कि अगर आई के बाद के एम और एल आ रहा है, क्या आई के बाद अगर के एम और एल आ रहा है तो आई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब जो आप आई का साइन बना रहे थे ऐसे, उसमें ये वाला पार्ट नहीं बनेगा, सिर्फ इतना पार्ट बनेगा, ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा। ठीक है, ये रूल है आपका। ठीक है कृतिका, अब जैसे वर्ड दिया है आई कैन, अब आई कैन में क्या है, आई के साथ कैन जुड़ा है, कैन जो है के से रिप्रेजेंट होता है। अब हमने देखा आई के बाद क्या आ गया, के आ गया, तो अब क्या करेंगे, आई का राइट वाला साइड नहीं बनाएंगे, यानी आई का इतना पार्ट बना और कैन का बस के, आई कैन, नोट कर लो। वैसे ही आपका दिया है आई एम, ये ट्राई करो खुद से, आई एम वर्ड। आई एम में एम जो है एम से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, एम किससे रिप्रेजेंट होता है, एम से, तो आई के बाद क्या आ गया, एम आ गया, मतलब आई का इतना पार्ट बनेगा, यानी आई और ये एम, आई एम। ठीक है, नोट कर लो। वैसे ही वर्ड है आपका आई विल, ये ट्राई करूं, आई विल में क्या है, विल जो है एल से रिप्रेजेंट होता है, यानी आई का इतना पार्ट और ये विल का एल, राइट साइड वाला नहीं बना। ठीक, अब नेक्स्ट आ रहा है रूल आपका। हाँ जी रूपा, फर्स्ट आई कैन फिर से बता दूं। आई कैन वाले में आपका आई का जो है साइन कैसे बनता है, ऐसे बनता है, और कैन कैसे रिप्रेजेंट होता है, कैन रिप्रेजेंट होता है के से। ठीक है, तो आई का जो पार्ट है ये वाला उड़ जाएगा अगर इसके बाद आपका के लेटर आता है। रूल ने क्या बोला, आई के बाद अगर के आता है तो आपका आई कॉन्ट्रैक्ट होके बनेगा, यानी जो आई ऐसे बन रहा था उसका ये पार्ट नहीं बनाएंगे, सिर्फ इतना बनाएंगे, तो जब बनेगा कैसे बनेगा, आई का बस इतना पार्ट और कैन का ये खे। ठीक है, ये फ्रेज हो गया आपका। क्यों? क्योंकि आई के बाद के एम एल में से कोई भी आएगा तो आई आधा बनेगा। ठीक, और कोई डाउट तो नहीं है? आगे देखो, इसके बाद आपका आ रहा है नेक्स्ट,
नेक्स्ट है आपका ही के बारे में बता रहे हैं। अगर ही अकेला खड़ा है, ही इज अलोन, मतलब अकेला सिंगल लेटर है, या फिर और एट बिगनिंग ऑफ अ फ्रेज या स्टार्टिंग में है, और एट स्टार्टिंग, क्या बोला? ही अगर अकेला है, खाली एक ही लेटर है एच का और वोवल लगा, आगे कोई सेकंड स्ट्रोक नहीं है, या फिर ही जो है स्टार्टिंग ऑफ फ्रेज है, मतलब स्टार्टिंग में दिया है फ्रेज के, जैसे ही मे हो गया, ही शुड हो गया, तो स्टार्टिंग में ही आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा? आपका हमेशा डाउनवर्ड एच बनेगा, ठीक है? कैसे? जैसे खाली लिखा है ही का सिंगल स्ट्रोक है, बस एच लेटर है, वॉवल है, तो ये एच डाउन खाली ये वाला बनेगा, ठीक है? नोट करो एक बारी, ठीक है रूपा? वैसे दिया है ही में, ये ट्राई करो खुद से। अब ही में क्या है, ही और मे, ही स्टार्टिंग में है इसीलिए ये डाउनवर्ड एच और ये मे का एम। अब आप में से आधे लोग सोच रहे कि डॉट नहीं लगाया, ही का डॉट नहीं लगाया, म के बाद ए का डॉट नहीं लगाया, वो नहीं लगेगा, ठीक है? क्योंकि ये फ्रेज है, फ्रेज में क्या होता है, सिर्फ इनिशियल्स बनते हैं, एच बना और मे का एम बना, बस, ठीक है? अब सेकेंड रूल बता रहा है कि ही अगर आपका मिडल में आ रहा है, ही क्या है, अगर मिडल में आ रहा है तो उस केस में क्या होगा? ही अगर आपका मिडल में दिया होता है तब आपका छोटा वाला ही बनता है, जो हमने अपने सीखा था ना, ही छोटा सा वो बनता है, ये वाला ही बनता है, ये प्रॉपर वाला डाउनवर्ड एच नहीं बनेगा इसमें, ठीक है? अब जैसे दिया है फ्रेज आपका इफ ही में, एक बार बना के देखो खुद से, इफ ही में, इफ ही में क्या है, इफ बनाया, एफ इफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ही का साइन और ये मी, इफ ही में, नोट कर लो। एक और लिख के देख लो, इफ ही शुड नो, ये ट्राई करो। अच्छा, अभी थोड़े दिन में ना हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है, हिंदी स्टेनो की, तो आपको यहाँ पे एक ही जगह पे दोनों मिल जाएंगी, इंग्लिश और हिंदी की स्टेनो, तो आपको बाहर से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा एग्जाम के लिए, ठीक है? अब इफ ही शुड नो, ही मिडिल में है, इफ ही शुड और नो, नो कैसे रिप्रेजेंट हुआ, एन से रिप्रेजेंट हुआ, ठीक। नेक्स्ट देखो, अगला बता रही हूं मैं, विशाल आपने जो लिखा है, हाउ टू राइट देम लाइक ही इज गुड इजंट ही, इसमें जो है आगे मॉडिफिकेशंस होंगी, अभी ये इनिशियल है, इसके बाद आगे जाके कुछ चैप्टर्स आएंगे जहां पे हम ये करेंगे रूल्स वाले, ठीक है? तो आप थोड़ा सा भी वेट कर लो, राइट? आगे देखो, अभी काफी चीजें जो आगे जाके एडिट हो रही हैं, अभी तक सिर्फ एक बात बताओ, तुम्हें बस पता था ही कैसे लिखते हैं, शुरू से ऐसे पता था कि एच अगर आएगा तो एच के लिए दो तरीके से एच बनता है, ऐसे और ऐसे। अब आज जाके पता चला कि पांच छह चैप्टर के बाद जाके पता चला कि ही को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वजह से ऐसे ही आगे जाके क्या है, रूल्स जो होते हैं मॉडिफाई होते हैं, तभी जब आप एग्जाम में स्पीड में लिखते हो, एडवांस लेवल पे आते हो, तब आप जो है फास्ट लिख पाते हो, ठीक है? क्योंकि मॉडिफिकेशन हो चुकी होती है एंड तक आते आते। अभी एकदम पहले हमने बेसिक स्ट्रक्चर सीखा, फिर हमने थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, अब थोड़ा सा और आएगा आगे जाके, ठीक है? चलो, नेक्स्ट लिखो आगे। कभी कभी क्या है, मच जो है आपका उसे हम पूरा बनाते हैं, मतलब म और च, कब? मच जो है पूरा बनता है व्हेन यूज्ड विथ फ्रेजेस, व्हेन यूज्ड
विद फ्रेजेस, मतलब जब फ्रेजेस आते हैं जैसे सो मच हो गया, हाउ मच हो गया, तो इस केस में क्या होता है, म और च पूरा बनता है। आई नो आपने मच के लिए पहले शॉर्ट फॉर्म सीखा था सी एच वाला, वो भी है, अगर खाली मच थी तो वहां पे सी एच वाला ही लगेगा, पर जब फ्रेज होगा उसके आगे कुछ वर्ड एड ऑन हो जाएगा तब हम ये वाला बनाएंगे। ठीक है, जैसे वर्ड लिख लो सो मच, ये ट्राई करो, बताई दिया मैंने आपको। सो मच में क्या है, एस का स्ट्रोक सो के लिए, मच का ये, बस ये, तो सो का एस, म और च, सो मच, इजी है देखो बिल्कुल। फिर है हाउ मच, हाउ मच, हाउ का साइन पता आप लोगों को, आउ वाला और मच बनाओ, बता दिया मैंने, ट्राई करो। हाउ मच पे कैसे बनेगा, हाउ का ये बन गया और म और च, हाउ यही होता है, लाइन पे बनता तो लाइन पे बना, तो इसी में आगे म और च कनेक्ट हो गया, हाउ मच। कोई डाउट तो नहीं है, देख लो एक बारी। चलो इसके आगे देखते हैं, नेक्स्ट रूल इसके बाद आ रहा है वर के ऊपर। वर जो है आपका, आ रही हूँ रियल मी रघु, बता रही हूँ मैं उसी पे आ रही हूँ, देवर बता रही हूँ मैं। अगला आ रहा है रूल कि वर जो है दो तरीके से लिखा जाता है, एक होता है आपका ये टिक वाला और एक होता है आपका ये डाउनवर्ड आर। ठीक है, अब किसके साथ ये लगेगा किसके साथ ये लगेगा भी बताऊंगी मैं। ठीक है, पहली चीज क्या देखिए, हमने वर को जो है दो तरीके से लिखा जाएगा, ऐसे और ऐसे, टिक वाला डब्ल्यू और ये डाउनवर्ड वाला आर। ठीक, अब वर जो है नॉर्मली हम वैसे भी लिखते हैं डब्ल्यू ई आर ई वाला वर लिखते हैं, पर ये वर कहाँ यूज होता है, ये वर होता है जब फ्रेज में आता है आपका, जैसे दे वर हो गया, यू वर हो गया, ये सब। ठीक है, तो लिख के देखो एक बारी, दे वर बनाओ। अब दे वर में फिक्स किया हुआ है कि जब दे के साथ वर आएगा तो ये टिक वाला ही यूज होगा, यानी दे और ये वर, दे वर, नोट करो। नेक्स्ट लिखो यू वर, रघु आपका डाउट क्लियर हो गया, दे वर का कोई डाउट तो नहीं है, बता दिया मैंने कि दे के साथ जब भी वर लगेगा तो वर ही ऊपर वाला ही यूज करेंगे, और जब यू वर आएगा तो ये नीचे वाला वर यूज होगा, यानी यू और ये वर, यू वर, नोट कर लो। अब इसी को अगर दिया हुआ है इफ दे वर, ट्राई करो, देवर तो मैंने सिखा दिया, बस आगे इफ ऐड हुआ है, बना के देखो एक बारी, इफ देवर, इफ का क्या होता है, एफ होता है, तो इफ दे और ये वर, इफ देवर, इजी है ना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, अगला रूल बता रही हूं मैं, आज कंप्लीट रूल्स करा दूंगी मैं आप लोगों को, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, होमवर्क भी बता दूंगी अभी मैं, पूछ लेना मुझसे। नेक्स्ट देखो, हिम के बारे में बताया हुआ है, जब भी आप हिम लिखते हो तो हिम के साथ क्या करते हो, आप एक डॉट वॉवल को इंसर्ट करते हो, यानी जब हिम लिखेंगे तो डॉट वॉवल का यूज करेंगे थर्ड प्लेस पे, क्यों यूज करेंगे भी बता रही हूं मैं, जैसे लिखा है ऑफ हिम,
बनाओ एक बारी ऑफ हिम। ऑफ बनाना आता है, हिम का एम होता है, मैंने बता रखा है। बनाओ ऑफ हिम। ऑफ कैसे बनता है? ऐसे, हिम का एम। और रूल ने क्या बोला कि डॉट वॉवल लगेगा थर्ड प्लेस पे। यहाँ हमेशा थर्ड प्लेस पे डॉट लगता है। रीजन क्या है डॉट वॉवल लगाने का? कुछ आइडिया है किसी को? क्या रीजन है डॉट वॉवल का? डॉट वॉवल क्यों लगा रहे हैं हम यहाँ पे? अगर डॉट नहीं लगाएंगे तो इसे हम क्या रीड कर लेंगे गलती से? आई एम। ये देखो, अब नहीं लगाया तो क्या बन गया? ये आई एम मैंने कराया था अभी स्टार्टिंग में। डॉट लगाया तो पता चला भाई ये तो हिम है, एम नहीं है। तो डॉट वॉवल ना होने की वजह से हम इसे गलती से रीड कर लेंगे आई एम, इसीलिए डॉट वॉवल लगाना है यहाँ पे। ठीक है, एक और लिख लो, टू हिम। ट्राई करो टू हिम। इफ यू वर्क आपको नहीं समझ आया? यू वर्क के साथ ऐसे था ना नीचे, तो बस आगे इफ ऐड हो जाएगा। इफ यू वर है ना, इफ यू वर हो जाएगा ऐसे, बस इफ ही तो ऐड होगा आगे, बाकी का यू वर सेम रहेगा। ठीक है, टू हिम में क्या है आपका? टू के साथ हिम जुड़ गया, टू और ये हिम का एम और ये डॉट लगा दिया हिम के लिए। ठीक है, अच्छा स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? मुझे एक बार बता दो। हाउ टू राइट इफ यू वर्ड, वर्ड डाउट है इसमें। एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे दोबारा बना देते हैं। आप लोगों को स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है ना, एक बार बता दो मुझे, कुछ में आ नहीं रही है इसलिए। क्लियर है स्क्रीन? साउंड भी क्लियर है? ठीक है, इफ यू वर में ऐसा था, इफ का क्या था? एफ बना था, यू ऐसे और वर ऐसे, दोबारा बता दिया मैंने। ठीक है, अब क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद लास्ट रह गया टॉपिक आप लोगों का। ठीक है, फ्रेजिंग का टॉपिक आ रहा है लास्ट आपका। हेडिंग डालो फ्रेजिंग। फ्रेजिंग में क्या है? अब आप जो है अब शॉर्टकट सीख रहे हो। पहले जो था आप लोग जो बना रहे थे ऑफ और द, कैसे बना रहे थे बना के दिखाओ एक बारी ऑफ और द। ठीक है रघु, ऑफ द में क्या है? ऑफ ऐसे बना रहे थे, द का डॉट ऐसे बना रहे थे। अब फ्रेजिंग में क्या शॉर्टकट आ रहा है कि द के लिए क्या है, हम लोग टिक का यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? द के लिए टिक का यूज कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ऑफ द, ऑफ द में क्या हुआ? ऑफ ऐसे बनाया, अब यहाँ खत्म हुआ, ये ऐसे इमेज थी, इसकी ऑपोजिट ऐसे इमेज आ जाएगी, यानी ये द ऐसे रिप्रेजेंट होगा। ये हो गया ऑफ द। ग्रेटर देन का साइन लग रहा होगा देखने में आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, वैसे है आपका अगला वर्ड एंड द। ट्राई करो एंड द, जस्ट ऑपोजिट इमेज बनानी जो बनेगी यहाँ पे आपका द को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड द में क्या हो जाएगा आपका? बना लिया एंड द में, एंड कैसे बनता है? नीचे से ऊपर, ये ऊपर नीचे से ऊपर गया तो ये ऊपर से नीचे आ जाएगा, ये हो गया एंड द।
नेक्स्ट ट्राई करो, बाय द। बाय द में क्या है आपका, बाय बना, बाय के लिए बी और द के लिए ऑपोजिट पे टिक, बाय द। फिर एक और अपवर्ड का एग्जांपल लिख लो, बियॉन्ड द। ये सारे आपके बुक में दे रखे हैं, आप एक बार जो है बुक से इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। पेज नंबर 27 पे दे रखे हैं, अगर किसी को नहीं पता, ग्रीन वाली बुक यूज हो रही है, पिटमैन की जो फॉलो हो रही है अभी, वो बुक परचेज कर लेना अगर नहीं ली तो, ठीक है। बनाओ एक बारी, बियॉन्ड द। बियॉन्ड कैसे बना, बियॉन्ड का ये साइन होता है, यहाँ खत्म हुआ तो ऑपोजिट में द, बियॉन्ड द। अच्छा एक लास्ट और बता देती हूँ मैं, बुक में जो है आपने जब सीखा था ऑन द और बट द, ऑन द और बट द, ऑन जो था आप लोगों का स्ट्रेट बनता है, सीधा बनता है जब हम करते हैं, बट जब हम द के साथ अटैच करते हैं तो उसको हल्का सा स्लांट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हल्का सा टेढ़ा बनेगा ऐसे, ऑन और ये द, और वैसे ही आपका बट द है, बट सीधा बनता है, बट द से अटैच होने के लिए हल्का सा टेढ़ा हो जाता है, ऐसे एंगल फॉर्म करता है। नोट कर लो एक बारी, अच्छा डी ट्रिपल एस बी का पेपर आपका, ठीक है। कृतिका पेपर देके जब आओगी तो एक बारी मुझे जो है क्वेश्चंस किस टाइप के आए थे वो बता देना टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इस पर टेक्स्ट करके बता देना, ताकि जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमें, हम बाकी बच्चों को बता पाए, ठीक है। समझ आ गए यहाँ तक, बट द वाला, ठीक है। ये जो है कंप्लीट हो गया सारा टॉपिक। अब तुम्हारा होमवर्क ये है कि जो फ्रेजेस दे रखे हैं बुक में, पेज नंबर आपका 28 पे जो लिखा हुआ है, आई थैंक यू, आई थिंक यू शुड बी, ये वाले लास्ट तक दोनों साइड्स करनी है, ठीक है। उनको प्रैक्टिस करके रखना है, ताकि जब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊं तब आपको प्रॉब्लम ना हो उसमें कोई। अगर आप लोगों को डाउट है तो मुझे बता देना टेक्स्ट करके, इंस्टाग्राम पे या इस पे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर देना, ठीक है। सो अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।